सीएम धामी की राज्य स्तरीय एनकॉर्ड की समीक्षा बैठक आज सचिवालय में समीक्षा बैठक करेंगे सीएम धामी। सीएम धामी ने प्रसिद्ध समाज सुधारक ईश्वर चंद विद्यासागर जी की पुण्यतिथि पर किया नमन, कहा नारी शिक्षा और विधवा विवाह के क्षेत्र में आपका पूर्ण योगदान। भारत जोड़ो अभियान का कांग्रेस मुख्यालय में हुई बैठक, प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक, 9 अगस्त से प्रस्तावित भारत जोड़ो अभियान पर होगी बैठक। देहरादून में भाजपाइयों ने फूका कांग्रेस नेता अधीर रंजन का पुतला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर आपत्तिजनक टिप्पणी से आक्रोश। उत्तराखंड में 334 नए संक्रमित मिले, 2 मरीजों की मौत, 1355 पहुंची सक्रिय मरीजों की संख्या। उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका, सतर्क रहने की सलाह। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप सबका स्वागत है खबर उत्तराखंड में और मैं हूँ स्वाति मेहता। सबसे पहले बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहली खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम, 11 बजे राज्य स्तरीय एनकॉर्ड की समीक्षा बैठक होगी, सचिवालय में समीक्षा बैठक करेंगे सीएम धामी, 2:30 बजे से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में रहेंगे, सचिवालय में समीक्षा बैठक करेंगे सीएम धामी, 2:30 बजे से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में रहेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम है, जिसमें वे उपस्थित रहेंगे, 11 बजे राज्य स्तरीय एनकॉर्ड की समीक्षा बैठक करेंगे, सचिवालय में समीक्षा बैठक में मौजूद रहेंगे सीएम धामी और इस समीक्षा बैठक में 2:30 बजे से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में होगी ये बैठक। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम, 11 बजे स्तरीय एनकॉर्ड की समीक्षा बैठक में भाग लेंगे सीएम धामी, सचिवालय में समीक्षा बैठक करेंगे। ढाई बजे से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में रहेंगे। आज पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम है, जिसमें वे सचिवालय में समीक्षा बैठक करेंगे, 11 बजे स्तरीय एनकॉर्ड की यह समीक्षा बैठक होगी। ढाई बजे से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में रहेंगे सीएम धामी, देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम है, जिसमें वे सचिवालय में समीक्षा बैठक करेंगे, ये 11 बजे स्तरीय एनकॉर्ड की समीक्षा बैठक होगी, सचिवालय में यह समीक्षा बैठक करेंगे सीएम धामी। 2:30 बजे से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में रहेंगे। अगली खबर देहरादून से है, जहां अगले 4 से 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट है, भारी बारिश का अलर्ट किया गया है जारी, उत्तराखंड के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरगढ़, बागेश्वर में अलर्ट है, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 1 अगस्त तक प्रदेश के अधिकतर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, भारी बारिश से नदियों का जल स्तर बढ़ेगा, मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत जिले में भारी बारिश का अलर्ट, 1 अगस्त तक प्रदेश के अधिकतर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, भारी बारिश से नदियों का जल स्तर बढ़ेगा, मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की दी सलाह। देहरादून से ये खबर आ रही, जहां उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन भारी बारिश हो सकती है, इसके चलते अलर्ट जारी किया गया है और ये अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है,
उत्तराखंड के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरगढ़, बागेश्वर में अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत जिले में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 1 अगस्त तक प्रदेश के अधिकतर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ेगा। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है। देहरादून में अगले 4 से 5 दिन भारी बारिश होने की बात मौसम विभाग ने कही है। इसके चलते मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और कई जिलों में, करीब 8 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना बताई है। इन 8 जिलों में पिथौरगढ़, चंपावली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, जहां पे अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत जिले में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस बारिश से नदियों का जल स्तर बढ़ने की भी बात कही गई है, जिससे खतरा बढ़ सकता है। भारी बारिश से नदियों का बढ़ेगा जल स्तर। मौसम विभाग ने लोगों से इसको लेके सतर्क रहने की भी सलाह दी है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से खतरा बढ़ सकता है लोगों के लिए। उत्तराखंड में 4 से 5 दिन लगातार बारिश होने की बात मौसम विभाग के द्वारा कही जा रही है, जिसके चलते मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। करीब 8 जिलों में भारी बारिश की बात मौसम विभाग कह रहा है। इन जिलों में पिथौरगढ़, चंपोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर जैसी राज्य हैं। इसके साथ ही पौड़ी, नैनीताल, चंपावत जिले में भी भारी बारिश की बात कही जा रही है। 1 अगस्त तक प्रदेश के अधिकतर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। भारी बारिश से नदियों का बढ़ेगा जल स्तर। जलस्तर बढ़ने से लोगों के लिए बहुत खतरा बढ़ सकता है, जिसके चलते मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है। उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन भारी बारिश की संभावना, जिसके चलते मौसम विभाग ने अलर्ट घोषित किया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। भूख लगी हो होले होले और बन जाए चटाकेदार छोले। हल्दी छोले, हम हल्दी छोले मसाले। में चूहे रेस लगा के बोले, टेस्ट की हो गई है बल्ले बल्ले। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। जहाँ इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहाँ होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है।
अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां यमुनोत्री धाम के अंतिम सड़क पड़ाव जानकी चट्टी में कूड़े का अंबार लगना शुरू हो गया है। पैदल रास्तों में लेकर वाहनों के यातायात रास्तों में कूड़ा इस कदर फैला के फैल गया है कि चलना भी मुश्किल हो रहा है। दरअसल यमुनोत्री पैदल मार्ग और जानकी चट्टी में सफाई व्यवस्था का जिम्मा जिला पंचायत का है, जिसमें जिला पंचायत द्वारा 36 पर्यावरण मित्रों को सफाई के लिए तैनात किया हुआ है, लेकिन पिछले यात्रा काल के 3 महीने जबकि इस यात्रा काल के भी 3 महीने यानी कुल 6 माह से सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाया, जिस कारण सभी ने सफाई करना बंद कर जिला पंचायत उत्तरकाशी के खिलाफ मुखर होकर सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करना शुरू कर दिया है। जानकी चट्टी में सड़कों में बिखरे कूड़े से यमुनोत्री आने वाले श्रद्धालुओं को भी बदबू से 2-4 होना पड़ रहा है। काम ये हो रहा है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की जो हमारी धरती है, वहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे हम एक 100 बच्चों का आवासीय विद्यालय बना रहे हैं, जिसमें 100 गरीब बच्चे पढ़ेंगे और उसी हॉस्टल में वो रहेंगे। इस लगभग 4.5 करोड़ रुपये की लागत से वो बन रहे हैं। अगली खबर पौड़ी से है, जहां स्थानीय विधायक व प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जन्मभूमि पीट स्टैंड में प्रदेश सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से एक आवासीय विद्यालय बनाने जा रही है, जिसकी लगातार 4,30,00,000 आंकी गई है। वहीं डॉक्टर धन सिंह ने कहा कि इस आवासीय विद्यालय में 100 गरीब तबके की बच्चे अपना पठन पाठन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए भूमि का चयन भी किया जा चुका है और आवासीय विद्यालय का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस आवासीय विद्यालय के बन जाने से आसपास के क्षेत्रों के गरीब और निर्धन बच्चे इस आवासीय विद्यालय में पढ़ सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश का मकसद है कि हर बच्चे को शिक्षित किया जाए, जिसके मद्देनजर प्रदेश सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। काम ये हो रहा है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की जो हमारी धरती है, वहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे हम एक 100 बच्चों का आवासीय विद्यालय बना रहे हैं, जिसमें 100 गरीब बच्चे पढ़ेंगे और उसी हॉस्टल में वो रहेंगे। इस लगभग 4.5 करोड़ रुपये की लागत से वो बन रहे हैं। अगली खबर भी उत्तरकाशी से है, जहां पर आज बड़कोट में जिला प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल यमुना घाटी के 25 इकाइयों में जीएसटी विभाग के उत्पीड़न के विरोध में व्यापारियों द्वारा नारेबाजी प्रदर्शन कर पुतला दहन किया गया है। घाटी के व्यापार मंडल की अलग अलग इकाइयों में व्यापारियों ने बड़कोट, नौगांव, पुरोला और डामटा सहित 25 इकाइयों में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले व्यापारियों ने बताया कि जीएसटी विभाग सर्वे के नाम पर छोटे छोटे व्यापारियों का उत्पीड़न कर रही है, जिससे छोटे व्यापारी डरे हुए हैं। प्रांतीय व्यापारियों ने बताया कि पूरे प्रदेश में सर्वे छापामारी बंद करो सप्ताह चलाया जा रहा है। विरोध के बावजूद भी अगर उत्पीड़न बंद नहीं किया जाता है तो व्यापारी वर्ग अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर सड़कों में उतर कर आंदोलन को और उग्र करेंगे। जीएसटी के प्रति जो सरकार छापेमारी करवा रही है जीएसटी विभाग के द्वारा, वो उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और जिससे व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है, सरकार यदि इन जीएसटी के द्वारा जो छापेमारी इनका यदि रोक नहीं लगाती है तो प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल पूरे उत्तराखंड में इसका जो है बृहद आंदोलन करेगी यदि इस पर सरकार रोक नहीं लगाती है, क्योंकि इससे व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। अगली खबर, पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में लगातार कोरोना की पॉजिटिव केसों की संख्या में इजाफा हो रहा है और एक दिन में 100 से 200 के आसपास के केस आने का सिलसिला लगातार जारी है। आजकल में कोरोना के केस 284 तक पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में भी इसकी वजह से खलबली का माहौल बना हुआ है, क्योंकि एक्टिव केसों की संख्या अब राज्य के में 1300 के पार चली गई है। 27 खबर दिखाएंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
अधिक से अधिक पाने का ख्वाब, अपेक्षाओं का दबाव, टेंशन को मिटाने में शिक्षा नहीं हो रही कामयाब। चाहे कोई माला माल है पर नाखुश है तो कंगाल है, एक हंसी के लिए परेशान और बेहाल है। दिल्ली सरकार ने शुरू की एक पहल, नर्सरी से आठवीं तक हुई हैप्पीनेस क्लास की शुरुआत। तन से हैप्पी, मन से रहने की मिली सौगात। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में होता 45 मिनट का हैप्पीनेस पीरियड, ध्यान के साथ सीखते बच्चे मन को शांत करने का मतलब, पढ़ाई में लगता मन, तनाव और गुस्से में आ रही कमी, प्यार और अच्छे व्यवहार के बच्चे बन रहे धनी। यह है दिल्ली सरकार का हैप्पीनेस करिकुलम, बच्चे को रखता खुश, टेंशन करता कम। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पिछले 4 साल से हैप्पीनेस क्लास चलाई जा रही है। बच्चे और टीचर्स बताते हैं कि हैप्पीनेस क्लास की वजह से बच्चे पढ़ाई पर फोकस करने लगे हैं, और पेरेंट्स बताते हैं कि बच्चे अब उनकी ज्यादा रेस्पेक्ट करने लगे हैं। हैप्पीनेस क्लास के 4 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली सरकार 14 जुलाई से 29 जुलाई तक हैप्पीनेस उत्सव मना रही है। आप भी अपने नजदीकी स्कूल में आए और हैप्पीनेस उत्सव का हिस्सा बने। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। जहाँ इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहाँ होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में लगातार कोरोना के पॉजिटिव केसों की संख्या में इजाफा हो रहा है। एक दिन में 100 और 200 के आसपास केस आने का सिलसिला लगातार जारी है। आजकल में कोरोना के केस 284 तक पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में भी इसकी वजह से खलबली का माहौल बना हुआ है, क्योंकि एक्टिव केसों की संख्या अब राज्य में 1300 के पार हो चली है। 27 जुलाई की शाम तक जारी किए गए लेटेस्ट आंकड़ों में बुधवार को कोई मौत ना होने की बात भी स्पष्ट की गई। गढ़वाल के साथ उधर कुमाऊं में भी अल्मोड़ा और टिहरी जिले से आंकड़ों में सतर्क करने वाली खबरें लगातार आ रही हैं। लेकिन इस बार का कोरोना उन लोगों के लिए घातक नहीं होगा जिन्होंने पहले से ही कोविड डोज लगाई हुई है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर सभी गाइडलाइन का जरूर पालन करें। चर्चा आज इसी पर ही, कोरोना अभी जिंदा है। कुमाऊं में कोरोना एक बार फिर अपने पांव पसारने लगा है। कुमाऊं में 24 घंटे में 150 से ज्यादा मामले नजर आए, जिसमें कोविड के बढ़ते प्रकोप से गांव और शहर में चिंता बढ़ने लगी है। अस्पताल में भी रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है। अब कोरोना भले ही सरकार की निगाहों में ज्यादा इस बार एक्टिव व घातक ना हो, लेकिन लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों पर प्रदेश की चिंता जरूर बढ़ रही है। सरकार का दावा है कि सभी तैयारियां पूरी हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने मंडल में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए मंडल में सभी जिलों को कोरोना के लिए निर्देश जारी करते हुए अस्पतालों में सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं। कोविड के बढ़ते प्रकोप से गांव, स्कूलों और शहरों में चिंता बढ़ने लगी है। अस्पतालों में भी रोगियों की संख्या बढ़ी है, जिसमें कई लोगों में कोरोना की पुष्टि हो रही है। नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। आयुक्त ने बढ़ते कोरोना से जिलों में कोविड नियमों का पालन कराने के साथ दवा और अन्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए कहा है। 193 मामले कल थे पूरे कुमाऊं में, जो मैंने रिपोर्ट ली थी, और उसमें अभी जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो काफी माइल्ड सिम्टम्स हैं, उसमें ऐसी कोई मेजर चीज़ें नहीं हैं, और सभी लोग 3-4 दिन में डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। फिर भी लेकिन एहतियातन जो भी कोविड अनुरूप आचरण है उस पर हम जोर देंगे।
सरकारी शासन भी ये बात मान रहा है कि पूरे देश भर में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और उत्तराखंड में भी कोविड के आंकड़ों में इजाफा हुआ है, जिसके चलते सरकार प्रदेश का सिस्टम और गरीब व्यक्ति पर कोरोना की कोई बात ना पड़े इससे कोई बड़ा कदम नहीं उठा रही। चीफ सेक्रेटरी का मानना है कि अगर बढ़ते मामलों को देखते हुए शहर में कोई कर्फ्यू या ज्यादा सख्ती लागू करते हैं तो गरीब जनता पर उसका सीधा असर पड़ेगा। हालांकि उत्तराखंड शासन अन्य प्रदेशों की भी मॉनिटरिंग करते हुए अपने राज्य पर निगाह बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी को देश के संविधान, जनजातीय समाज, आदिवासी समाज और मातृशक्ति का अपमान बताया है। उन्होंने इसे राष्ट्रपति तथा देश का अपमान बताते हुए कहा कि यह कृत्य घोर निंदनीय है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को पूरे प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, अधीर रंजन चौधरी का जो बयान है वो कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस ने हमेशा जो हमारा आदिवासी समाज है, जनजाति समाज है, अनुसूचित समाज है, उन सबको केवल अपना वोट बैंक समझा और हमेशा वोट बैंक की राजनीति की। आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरे NDA ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने उनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। आज वो राष्ट्रपति हैं, इससे देश का गौरव बढ़ा है। कांग्रेस को ये बात पच नहीं पा रही है, इसलिए अधीर रंजन उनके शब्दों में ये बात परिलक्षित हो रही है। अगली खबर हरिद्वार से। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस लगातार राज्य सरकार पर हमलावर है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। पूर्व दिवंगत विधायक अमरीश कुमार की पहली पुण्यतिथि में भाग लेने हरिद्वार पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा सरकार हर भर्ती में पैसा देख रही है और हर नौकरी की नीलामी कर रही है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली भाजपा सरकार ने इस राज्य को खोखला कर दिया है, ये सरकार इस राज्य के प्रतिनिधित्व के लायक नहीं है। वहीं इस दौरान उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि भाजपा सरकार के राज में ही भर्ती घोटाले हो रहे हैं। हर पल हर जगह इस सरकार में घोटाले घोटाले, हर नदी गाढ़ गधेरे में ये बालू देखते हैं, बदरी देखते हैं, बोल्डर देखते हैं, उनको बेचते हैं, हर पोस्टिंग में ये पैसा देखते हैं और हर नौकरी की ये नीलामी करना चाहते हैं। तो ये जब आप जो है भ्रष्टाचार को इस रूप में पन पाएंगे तो इस राज्य का, इस राज्य को तो इन्होंने खोखला कर दिया भाजपा के लोगों ने, तो बड़ी चिंताजनक स्थिति है। हम एक दिन में तो उसको उलट नहीं सकते, हम तो उनके खिलाफ आवाज़ ही उठा सकते हैं, हम आवाज़ उठा रहे हैं। ये निर्णय तो जनता जनार्दन को करना है। वही राजा वही मुंसिफ अकबरा मेरे करूँ कत्ल का दावा किस पर, खुद ही इनकी सरकार में भर्ती घोटाले होते हैं, खुद ही गिरफ्तारियां कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी कर रहे हैं छोटे 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 कर्मचारियों की। जो आयोग है उसके अध्यक्ष की कोई जांच नहीं, उसके अधिकारियों की कोई जांच नहीं। कॉपरेटिव में भर्ती घोटाले होते हैं, बाद में निरस्त करी जा रही, कहीं पकड़े जा रहे हैं, लेकिन मंत्री जी पद पर बने हुए हैं, कहते हैं जाँच होगी, मंत्री जी के रहते हुए कैसे निष्पक्ष जाँच हो सकती। खबर उत्तराखंड में आज बस इतना ही, आगे के लिए बने रहिए KNews के साथ।